इसलिए क्योंकि डैड अब तक मुझसे जो कह रहे थे वो अब जाकर समझ में आया है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि उनकी रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। इसलिए मैंने गैब्रियल से मदद लेकर एक काम किया है। जानते हो हमारी बहन कहीं भी मैसेज पहुंचा सकती है, कहीं भी से मेरा मतलब कहीं भी। मॉम, हेलो मेरे प्यारे बच्चे। हस्बैंड, वाइफ, लूसिफर कैसे है? पूछो मत भाई, आसान नहीं था। मॉम ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही बार आने की ताकत है। सोचा नहीं था तुम्हें कभी देख पाएंगे। सोचा नहीं था कि तुम कभी रिटायर होगे। जैसा कि हमने हमेशा कहा है, काफी मुश्किल काम है, पर इसे करके अब तुम भी समझ चुकी होगी। मुझे ये उतना मुश्किल नहीं लगा जितना तुम कहा करते थे। फिर तो तुम ये काम भी हमसे बेहतर कर रही हो, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, काफी अकेलापन लगता है। लूसिफर, तुम्हें अब गॉड बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता लगा कि डैड की पावर्स नहीं जा रही, माइकल उन्हें गलत सलाह दे रहा था। यह बस डैड का वहम है। बहुत मिस किया। माइकल, मेरे राज में वो ये सब करने के लिए बचेगा। भाई तुम मेरी बात सुन रहे हो, डैड ठीक है, वो अभी भी गॉड ही रहेंगे। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, सब कुछ। हमारी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। अच्छा तो है, बस ये अच्छा नहीं कि मैं गॉड बनकर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाऊंगा। बाद में बात करते हैं। तो लगता है डैड के रिटायरमेंट के मेरे प्लान की शुरुआत अच्छी हुई है। अब क्या करेंगे, फ्लोरिडा जाना चाहेंगे या वापस सिल्वर सिटी? दरअसल हमने फैसला किया है कि हम मेरी यूनिवर्स जा रहे हैं। क्या? पर इतने सालों बाद आप यहां हैं एक साथ, फिर से हमें छोड़कर जाएंगे, और वो भी किसी और दुनिया में हमेशा के लिए। तुम्हारी मॉम ने हमारी दुनिया में काफी वक्त बिताया है बेटा। अब हमारी बारी है इनकी दुनिया में वक्त बिताने का। डैड, एक मिनट, यहां आइए प्लीज। यकीन नहीं हो रहा कि मैं कह रहा हूं, पर अब जब आपकी पावर्स नहीं जा रही हैं, आपके रिटायर होने की जरूरत नहीं, और आप अब भी गॉड बने रह सकते हैं। हमें लगा तुम्हें गॉड बनना है। बनना था, अब भी चाहता हूं, पर आप अभी तो यहां आए हैं।